आपकी वीडियो देख के आएगा उसको हम 5% डिस्काउंट देंगे हर एक आइटम पे। ऑनलाइन बेचते हो सामान? ऑनलाइन ही बेचते। तो आप किस किस चीज का सामान बेचते हो? बच्चों का? अपने पास बच्चों की सेट है, बड़ी सेट है, MLXL 36-32। रिटेल में पूरी मार्केट में कुछ नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा। 100% मैन्युफैक्चरिंग तो पूरे गांधीनगर में, किसी की भी नहीं होती। और किस रेंज से चालू है सूट? बाबा सूट 50 रुपीज से। भैया बता रहे अंदर जो रेट है वो सस्ते रहते हैं, जितना अंदर जाएंगे ना हम उतने ज्यादा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजअप होलसेल चैनल में। तो आज हम आए हैं गांधीनगर मार्केट और आज हम यहाँ के गांधीनगर के फन सेलर्स से कुछ फन सवाल पूछेंगे। तो ऐसे ही फन सवाल देखने के लिए और उनके फनी रिएक्शंस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसा बढ़िया लाजवाब मजेदार कॉन्टेंट देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। एड्रेस बता दो एक बार। अपनी गली नंबर 1 सरस्वती भंडार, सुभाष रोड। तो आप किस किस चीज़ का सामान बेचते हो? बच्चों का? अपने पास बच्चों की सेट है, बड़ी सेट है, MLXL 36-32-36। और क्या रेट के रहते हैं भैया टंगे हुए कपड़े? अपने पास 30 रुपये से स्टार्ट है, 250 तक के डिजाइन। क्या नाम है आपका? नितिन जैन। कब से चला रहे हैं आप दुकान? भैया 6 साल से चला रहे हैं इसको। कितनी वैरायटी है आपके पास, कितने डिजाइन है? बहुत डिजाइन है हमारे पास, 50,000 डिजाइन है, वैरायटी है। 50,000 डिजाइन है? अनलिमिटेड डिजाइन जी। अच्छा, मिनिमम हम 10 पीस से स्टार्ट करते हैं और जितने भी ले सकता ग्राहक उतने दे सकते हैं हम। और तो ये आपका ब्रांडेड है, लेबल है या विदाउट लेबल है? लेबल है अपना, हमारा लेबल है। अच्छा, पारस बाबा का लेबल है अपना। पारस बाबा का लेबल, पारस बाबा क्रिएशन। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, माल बनता है और ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं हम। अच्छा, आपकी वीडियो देख के आएगा उसको हम 5% डिस्काउंट देंगे हर एक आइटम पे। जो यहाँ से वीडियो से आएगा उसको 5% डिस्काउंट। परशुराम बाजार बोलते हैं। अच्छा, परशुराम बाजार बोलते हैं। आपकी किस चीज की दुकान है? बाबा सूट। और क्या कहते हैं, होलसेल में या रिटेल में बेचते हो? रिटेल में। पूरी मार्केट में कुछ नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलेगा। और कितने की पड़ती होगी एक ड्रेस? 86 रुपए। पीछे 60 रुपए की बता रहे हैं और 90 की दो, एक साइज छोटे बड़ा होता। अच्छा, साइज का फर्क है, 85 रुपए की पड़ रही है। कितने साल के बच्चे होंगे? 5-6। एक साल से लेके 5-6 साल तक। तरुण, आपकी शॉप है? अच्छा, किस जैकेट वगैरह की है? जैकेट्स और जीन्स। जैकेट्स और जीन्स, किस रेट से चालू है, किस रेंज से? स्टार्टिंग हमारे पास 160 से होती है। 160 से होती है, होलसेल में डील करते हैं। होलसेल में डील करते हैं। अच्छा, तो एक बार आप अपनी शॉप के बारे में बता दीजिए थोड़ा। शॉप हमारी गांधीनगर में है, सुभाष रोड पे। ये होलसेल जीन्स की शॉप है हमारी। जीन्स और जैकेट्स हमारा है। जैकेट्स हमारा जो होता है 15 जनवरी लास्ट होता है और उसके बाद जीन्स हमारे पास 12 महीने होती है। और आपका ये माल कहाँ से लेते हैं आप, कहाँ से आता है माल? हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग भी है और ट्रेडिंग भी है, दोनों है। 100% मैन्युफैक्चरिंग तो पूरे गांधीनगर में, किसी की भी नहीं होती। अच्छा, तो सिर्फ आपकी ही एक्सक्लूसिव है जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद का ब्रांड होता है, स्कॉट जीन्स के नाम से या पिस्टल जीन्स के नाम से मेरा खुद का ब्रांड है। अच्छा, और आपकी कहाँ है फैक्ट्री, यहीं पे है या? कैलाश नगर में। अच्छा, सिर्फ बॉयज का करते हो या गर्ल्स का भी? बॉयज और किड्स भी। तो आप ऐसे क्रेडिट पे भी देते हो सामान या सिर्फ डायरेक्ट कैश? टोटल कैश ही, हमारा क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट सिर्फ पुराने व्यापारी जो है थोड़ा बहुत चल जाता है। और आपका ऐसे क्या मिनिमम ऑर्डर कितना है आपकी दुकान पे, साइज कितना रहता है, मिनिमम ऑर्डर कितना है? मिनिमम वो आपके ऊपर है, 5,000-10,000 मिनिमम। अगर यहाँ पे आके ले रहे हो, अगर फोन पे ऑर्डर करें तो मिनिमम 50,000 का ऑर्डर रहता है। मिनिमम 50,000 फोन पे भी लेते हो आप? हाँ। और माल डायरेक्ट आप ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट से हो जाता है। ट्रांसपोर्ट आपका खुद का है या नहीं? ट्रांसपोर्ट तो नॉर्मल हमारा ट्रांसपोर्ट, हर जगह का ट्रांसपोर्ट अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे हम बुक कराते हैं, हमारे पास एजेंट है तो वो माल बुक करते हैं। जब तक माल पहुँचता नहीं, जब तक जिम्मेवारी हमारी होती है। अच्छा, तब तक जिम्मेवारी आपकी होती है। ठीक है, तो एक और सवाल है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे तो खरीदार आते हैं है ना, तो बहुत सारे टाइम पास भी करते होंगे, कुछ नहीं लेते ऐसे? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, टाइम पास भी बहुत करने आते हैं जो घूमने आते हैं मार्केट। पता कैसे चलता है? तो हम पहले पूछ लेते हैं उनको अपने लिए चाहिए या फिर बेचने के लिए चाहिए, तो जो उसको अपने लिए चाहिए होता है उनको हम बाहर से ही भेज देते हैं, जिनको बेचने के चाहिए उनको हम दिखा देते हैं। अच्छा, कितने साल से चल रही है आपकी दुकान ये? 15-20 साल। और कहाँ कहाँ से, मतलब कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर से लोग आते होंगे आपके पास लेने? बहुत दूर से आते हैं। ऑनलाइन बेचते हो सामान? ऑनलाइन ही बेचते। ऑनलाइन मिनिमम ऑर्डर कुछ लेते हो या कुछ लेते हैं? 2,000-1,500 जो भी हो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कि ऑनलाइन दुकान का नाम क्या है? यदुवंशी ट्रेडिंग कंपनी। यदुवंशी ट्रेडिंग कंपनी। और एड्रेस बता दो एक बार अपना। परशुराम बाजार 9/500। और किस रेंज से चालू है सूट, बाबा सूट? 50 रुपीज से। और बाकी इस चीज से फर्क पड़ता है, जैसे ये गली के अंदर फिर एक और गली में दुकान है, मेन उसमें नहीं है, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है? उससे पड़ता है फर्क, मेरे पे ग्राहक ज्यादा आता है, थोड़ा कम आता है। अच्छा, रेट में ही फर्क पड़ता है। रेट आपके सस्ते रहते हैं, महंगे रहते हैं? अंदर गली में बैठे सस्ते रहेंगे। फिर अंदर क्यों नहीं आते लोग? आएंगे जब पता लगे, तभी तो आएंगे। एक बार आ जाता फिर दोबारा नहीं जाता।
फिर इधर ही आता है, उसे पता लग जाता है उधर 100 का मिल रहा है, इधर 80 का मिल रहा है। भैया बता रहे अंदर जो रेट है वो सस्ते रहते हैं, जितना अंदर जाएंगे ना हम उतने ज्यादा रहेगा, क्योंकि इधर ग्राहक आता है खाली नहीं जाने देते, जो 2-4-5-10 रुपए बचते दे देते, मेन वालों के पास ग्राहक काफी आता ही उधर ही ग्राहक, उधर रेट भी थोड़े तेज होते हैं। हाँ यहाँ पे जैसे मैंने देखा गली में थोड़ी कम वो है, बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ तो इधर रेट भी सही रहते हैं, लेना तो यहीं से चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। अभी बताओ मान लो आपके अपनी दुकान का वो कराना हो फोटोशूट, वो हीरो खड़ा नहीं हो जाता है, तो आप किसको कौन सा हीरो चाहोगे कि आपके कपड़े पहन के वो खड़ा हो? रणबीर कपूर, शाहरुख खान, अजय देवगन। तो अभी जैसे आपने बताया रणबीर कपूर को चुनेंगे, आपको रणबीर कपूर की फेवरेट पिक्चर कौन सी है? अभी आई है नई फिल्म उसकी है एलियन। एनिमल एलियन। तो अगर आपको कोई फोटोशूट करवाना हो अपनी शॉप का या उसका, तो आप कौन से, अगर आपके पास ऐसे सारे बॉलीवुड के एक्टर वगैरह हो तो कौन सा एक्टर आप चुनेंगे? रणबीर कपूर पे नहीं, अभी मेरे को लगता है एनिमल रणबीर कपूर ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? जावल जी डांस करने लग जाता है। तो अभी जब इंडिया हारी वर्ल्ड कप पे तो कैसा लगा आपको, आपको क्या लगता है? आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत खराब लगा। वही सेम सबके फीलिंग है। मेरे को तो लग रहा था मैच फिक्स्ड है पूरा। हां सबको ये लगा। होता तो तब क्या करते हो आप? बंदे में डांस करते हैं, केक कटवाते हैं, अपना जन्मदिन अपने आप मनाते हैं और लूडो खेलते हैं, गली में परेशान करते आते जाते हो। अभी अभी भी परेशान कर रहे हो आप? अब आपको परेशान करा, आपको हमने काम पे लगाया नहीं लगाया आप? सही बात है। तो हम सबको परेशान करते हैं जब हमारा मन करता है। सही बात है। वो पूरी गली में हमारे से कोई गलत नहीं बोलता ना हम किसी गलत। तो साहब को आप सबको खुश रखते हो? सबको खुश। आपको क्या लगता है कि अगले साल इलेक्शन में कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा हिसाब से लग रहा है। मोदी जीतेगा कि नौकरी पेशा आदमी बिजनेसमैन से ज्यादा खुश रहता है? क्यों ऐसा क्यों? तो बिजनेसमैन जब तक बिजनेस चल रहा है जब तक वो खुश है। अगर जब उसको बिजनेस ठप हो जाता है या किसी तरीके से ग्राहक नहीं आता उसकी दुकान में, तो वो अपना सर अपने आप फोड़ने लगता है दीवारों पे। उससे पेमेंट नहीं दी जाती लोगों की, पेमेंट लेट करता है। लेकिन नौकरी वाले को ये फायदा है, उसको मीटर घूम रहा है, 30 तारीख को तनख्वाह मिलनी है तो 20 को भी मिल सकती है, 30 को तो मिलेगी ही मिलेगी। सही बात है। और एक आखिरी सवाल, सलमान खान की शादी कब होगी? कभी भी नहीं होगी। 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी की बनेगी। आपको सुनील शेट्टी कैसा लगता है? सुनील शेट्टी बढ़िया है, आपको देखने को तो वही मिलता है। सबसे बढ़िया सन्नी देओल लगता है हमारे को। सन्नी देओल, सन्नी देओल का फेवरेट डायलॉग सुना दो ना एक। नहीं डायलॉग में सुना है।